थैंक यू, आप बात कर रहे हैं सर। जो पीएमडीसी तरमीमी बिल है उसको पेश करने के हवाले से अब क्या क्या रुकावटें हैं जो बाकी हैं, क्या पेश हो रहा है? कोई नहीं थी, ये दो हफ्ते पहले, तीन हफ्ते पहले ये बिल कमेटी ने पास कर दिया। कुछ मेंबर्स गए, उन्होंने कहा कि जी ये हम अमेंडमेंट्स लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं। सिस्टम ये है कि जब एक कमेटी बिल किसी किस्म का भी पास कर दे, उसमें वो हाउस में रिपोर्ट ले होती है, वो रिजेक्ट कर सकते हैं बिल को, हाउस उसमें फर्दर अमेंडमेंट कर सकता है, जो भी वो चाहे वो कर सकते हैं। मगर इस तरीके से मैंने कभी नहीं देखा सेनेट की सिस्टम में कि एक कमेटी वोटिंग करके एक बिल को पास करे और उसमें दोबारा अमेंडमेंट्स चेयरमैन अलाउ कर दे आने के लिए। अगर मुझे भी, मैं भी चेयरमैन कमेटी का हूँ, अगर मुझे भी ये चीज आएगी तो मैं कहूंगा जी नाउ इट्स अ मैटर इन द हाउस, जो आपको अमेंडमेंट डालनी है आप हाउस में खड़े होकर डालें, यहां कमेटी में नहीं। इस तरह तो कभी कोई बिल कंक्लूड ही नहीं होगा। हर आदमी आएगा, नई अमेंडमेंट डालेगा, जी मेरी अमेंडमेंट डाल दें, मेरी अमेंडमेंट डाल दें। तो ये बहुत एक गलत प्रैक्टिस है और कहीं रूल में अभी हमने पढ़ा है ये नहीं लिखा हुआ कि जी आप जस्ट बिकॉज आप रिपोर्ट दो महीने ले ना करें, साइन ना करें, अड़ जाएं, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। सर बस ये बता दें कब तक मुमकिन है? देखिए मंडे को इंशाल्लाह ये बिल लगना है क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल है। सर डॉक्टर्स भी बड़ा वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी वेट कर रहे हैं, एनएलई खत्म हो रहा है। वी विल गिव गुड न्यूज टू द डॉक्टर्स एंड टू स्टूडेंट्स एज वेल। जी जी, मेनली टू स्टूडेंट्स। श्योर, थैंक यू।